सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज हम पढ़ेंगे रोगों के प्रकार। जी हाँ, रोग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, संक्रामक रोग व असंक्रामक रोग। सबसे पहले हम बात करेंगे संक्रामक रोग की और तत्पश्चात हम असंक्रामक रोगों को पढ़ेंगे। बात करते हैं हम संक्रामक रोग की, तो यह जो रोग होते हैं वो रोग जनकों व परजीवियों के कारण उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग रोग जनकों या परजीवियों के कारण उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई स्वस्थ व्यक्ति है लेकिन ये व्यक्ति जो है वो संक्रमित है, किसी रोग से ग्रसित है। ये व्यक्ति जब इस स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ये स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, यानी कि ये व्यक्ति भी रोगी हो जाता है। इसका मतलब है इस व्यक्ति को जो रोग था वो रोग संक्रामक रोग था। संक्रामक रोग का संचरण सीधे होता है या कारक के द्वारा, जैसे कि रक्त के माध्यम से या सीरम के माध्यम से हो सकता है। तो ये तो थी संक्रामक रोग की सामान्य परिभाषा। चलते आगे कि संक्रामक रोगों को कितने भागों में बांटा गया है। बात करते हैं हम संक्रामक रोगों के प्रकार की, तो संक्रामक रोग दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है कि ऐसे रोग जो सुआशूत के कारण फैलते हैं, और ऐसे संक्रामक रोग जो सुआशूत से नहीं फैलते हैं। तो सबसे पहला है सुआशूत के कारण फैलने वाला रोग। ये रोग स्वस्थ व्यक्ति में सीधे संपर्क के द्वारा फैलता है। ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति संक्रमित है, किसी रोग से ग्रस्त है। जब ये व्यक्ति इस व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो ये भी रोगी हो जाएगा। इसका मतलब है केवल संपर्क में आने से रोग फैल गया। इसका मतलब है ये रोग जो है वो सुआछूत के कारण फैला है और सुआछूत के कारण फैलने वाला संक्रामक रोग हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं असुआछूत रोग की। ये संक्रामक रोग का दूसरा प्रकार है। तो असुआछूत रोग में ये व्यक्ति खड़ा है और ये कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, और ये व्यक्ति संक्रमित है और ये इसके संपर्क में आ रहा है, फिर भी ये संक्रमित नहीं हो रहा है। संक्रमित नहीं होने का मतलब ये हुआ कि ये छुआछूत से फैलने वाला रोग नहीं है। ये रोग कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये रोग डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, एड्स हो सकता है, छन्नीपात ज्वर हो सकता है। यानी कि डेंगू, मलेरिया, एड्स, छन्नीपात ज्वर, ये सभी के सभी छुआछूत के कारण नहीं फैलते, इस कारण इनको कहते हैं अछुआछूत रोग। तो ये हमारे प्रकार हो गए संक्रामक रोग के। पहला प्रकार छुआछूत के कारण, दूसरा प्रकार अछुआछूत के कारण। चलते हैं हम आगे असंक्रामक रोगों में। असंक्रामक का मतलब है कि ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ऐसे रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग रोग जनकों की अपेक्षा कारकों के द्वारा होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क से नहीं फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो कैंसर एक असंक्रामक रोग है, एलर्जी भी एक असंक्रामक, अपूर्णता रोग असंक्रामक, चोट लगना भी एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। यानी कि एक व्यक्ति को कैंसर है और दूसरा स्वस्थ व्यक्ति इसके संपर्क में आ गया तो उसको कैंसर नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे के संपर्क से ये रोग नहीं होता है। ये रोग केवल कारकों के द्वारा होते हैं, यानी कि अनियमित कोशिका वृद्धि के द्वारा या शरीर पर किसी कारक की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ये रोग हो जाते हैं। असंक्रामक रोगों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला प्रकार है अपूर्णता रोग, या हम इसी को कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज। हम बाहर से आहार कैसा ले रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है आहार की। क्या हम आहार सही से ले रहे हैं? क्या हमने जो आवश्यक घटक भोजन के अंदर चाहिए, क्या उसकी मात्रा हमको उपलब्ध हो रही है? अगर ये मात्रा उपलब्ध नहीं होती है या इसकी कम मात्रा उपलब्ध होती है तो उस स्थिति के अंदर हमारे शरीर के अंदर अपूर्णता रोग या डिफिशियंसी डिसीज
हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं तो क्वाशियरकोर रोग हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में फेरस की कमी है, लगातार हम आयरन नहीं ले रहे हैं, तो रक्त क्षीणता होगी। यानी कि हम जो आवश्यक घटक है हमारे शरीर के पूर्ति के लिए, हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए जो आवश्यक घटक जो आहार में रहते हैं वो अगर कम है तो वहाँ पे ये रोग होंगे, क्वाशियरकोर होगा, रक्त क्षीणता होगी। अगर विटामिन बी नहीं होगा, बी कम होगा तो बी नहीं होगा तो वहाँ पे बेरी बेरी जैसा रोग हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे रोग की। नेक्स्ट दूसरा असंक्रामक रोग है विघटनकारी रोग, डीजनरेटिव डिसीज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डीजनरेटिव डिसीज। ये रोग जीर्णता या वृद्धावस्था के कारण होता है। व्यक्ति अगर उम्र में ज़्यादा हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, उस कंडीशन के अंदर उसको विघटनकारी रोग होता है। जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, ऐसे रोग विघटनकारी रोग हो जाते हैं जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है। चले आगे, तीसरा भाग है वो है एलर्जी। यहाँ पर व्यक्ति विदेशी पदार्थों की उपस्थिति से अति तनावग्रस्त हो जाता है। तनावग्रस्त होने का मतलब है कि वह अपने शरीर के अंदर जो पहले अनुभव कर रहा था वो अब अनुभव नहीं करेगा। यानी कि शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं और ऐसे रोग हो सकते हैं राइनाइटिस। ये रोग नासिका से संबंधित रोग है। नेक्स्ट असंक्रामक रोग है हमारा चौथा, जिसका नाम है दुर्व्यसन, इसी को हम कहते हैं एडिक्शन। ये रोग व्यसनी बनाने वाली औषधियों, व्यसनी बनाने वाले अल्कोहल, वो व्यसनी बनाने वाले तंबाकू के कारण होती हैं। ये एडिक्शन इनकी वजह से होती है और सामान्यतः ये उनमें होता है जो वहाँ पर लगातार कार्य करते हैं। चले आगे, नेक्स्ट पांचवा असंक्रामक रोग है मानव विकृतियां, मेंटल डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। ये मानव विकृतियां क्या हैं? तो हम बात करें तनाव की, चिंता की, मानसिक अयोग्यता की, पागलपन की, साइजोफ्रेनिया की या मनोविक्षिप्ति की, ये सभी के सभी मानव विकृतियों से या मेंटल डिसऑर्डर से संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं छठे में, और छठा हमारा असंक्रामक रोग है कैंसर। जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, अगर उसका इलाज प्रथम अवस्था के अंदर नहीं कराया जाता है तो वहाँ पर वह मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो नॉर्मली बात करें कैंसर की, तो अवस्था से निकलने के बाद ये मृत्यु का कारण बनता है। कैंसर क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर किसी कोशिकाओं की अगर अनियमित वृद्धि होती है तो वह अनियमित वृद्धि आगे जाकर कैंसर का रूप ले लेती है। इसे हम कह सकते हैं अनियमित कोशिका विभाजन। तो इस प्रकार से आपने रोगों के दो पार्ट पढ़े, संक्रामक रोग व असंक्रामक रोग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।